शादी तैयार हो चुकी है ब्लैक एंड वाइट। और ये दोनों अभी करने में लगी पड़ी है रूम को मैसी से ठीक। चलो दिखाती हूँ वॉशरूम में कौन क्या कर रहा है। वॉशरूम में तो कोई है ही नहीं। अरे ये क्या, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आस्था है और ये ऐसे बैठी है। एंगल बिगड़ जाएंगे मेरी वीडियो की। सारे ऐसे लेने ऐसे गाइस ये तीनों बैठे हैं ठूस ठूस के। हम आ चुके हैं आईआईटी के अंदर। ये है आईआईटी की धरती जहाँ पे हम तरस चुके थे आने के लिए। तो फाइनली आज हमारा ड्रीम कंप्लीट हो गया। अब दिखाते हैं पूरा आईआईटी आपको धीरे धीरे आगे करके। बहुत बड़ा है, ये है रिक्शा टेस्ट। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है आईटी में आके, अपना एक्सपीरियंस देना चाहोगे? तारीख कितनी औसम है यार। क्या तुम्हारा कॉलेज भी ऐसा ही है? मेरा तो ज्यादा बुरा है। इतना अच्छा है कि तुम जाओगे और दोबारा कभी नहीं जाओगे। अभी हम चल रहे हैं, कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है अभी हमारा जहाँ पे हमें जाना है एग्जीबिशन पे। तो हम वहाँ पहुँच कर आपको दिखाएंगे आज दिवाली का एग्जीबिशन वहाँ पे लगा हुआ है। पीली पीली लाइट्स एंड चमकती हुई गर्ल्स। हाय गर्ल्स, यही गर्ल्स दिखाई दे रही है बार बार। कोई नया माल तो दिख ही नहीं रहा। बहुत दूर आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमें हमारा रास्ता नहीं। पहुंच चुके हैं दिवाली एग्जीबिशन में। ये है दिवाली एग्जीबिशन इन आईआईटी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स ने लगाए हुए हैं, बाहर से जो लोग हैं उन्होंने लगाए हुए हैं। खाना बजा मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे 20 रुपए चले गए। मैं बैठ चुकी हूँ नीचे क्योंकि हम थक चुके हैं। आईटी में इतनी महंगाई के बाद इंसान नीचे ही बैठेगा धरती में।
मेन्यू दे रखा है ऑनलाइन यानी कि टैबलेट में डिसाइड करने के लिए कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं ये बस अब मैं इंतजार करने के बाद आ चुका है हमारा खाना हमने मंगाई है 3 प्लेट्स तो फाइनली अब हम खाएंगे खाना आज हमारे बीच में उड़क बनाते हम बाहर खाना खाते तो हमारा आज का टास्क कंप्लीट हुआ बाहर डिनर का आज का डिनर कंप्लीट हुआ तो अब जाने हम अपने पीजी और मेरा फोन भी डाउन होने वाला है तो मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में बाय बाय गुड नाइट सब्सक्राइब भी कर दियो